समथर में एक गौसेवक काफी समय से वहां रहकर गौशाला में गौसेवा कर रहे थे, लेकिन अब उस जमीन पर कुछ लोग अपना अधिकार बता रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने मौट तहसीलदार से न्याय की गुहार लगाई है। प्रदेश की सरकार भले ही गायों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं चलाकर गौशालाओं का निर्माण करा रही है, साथ ही कुछ गौसेवक भी आज इन गायों के लिए तत्पर रहते हैं। संथर में बालक दास त्यागी महाराज गायों की सेवा करते हैं, जिन्हें कस्बे के जमींदारों ने गौ पालन के लिए अपनी जमीन दान में दे दी थी, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग अब उस जमीन को अपना बताकर उस पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको लेकर गौ सेवक बालक दास के साथ लगभग एक दर्जन लोगों ने मौट तहसीलदार को लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है, जिसमें उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। कहाँ के निवासी? समथर। क्या समस्या है? समस्या ये है कि महाराज जी जिस बाल संत हैं, इनकी जमीन है वहाँ पर, हम लोगों ने दान में दी थी। अचक की जमीन थी सब लोगों की, 10-12 लोगों की, सब ने दान में दी थी। वहाँ महाराज जी ने गौशाला बनवाई, तो उस पर जबरदस्ती कब्जा किया। 24 तारीख को हम लोगों ने रिपोर्ट भी की थाने में, वहाँ से आश्वासन मिला था कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। 5 दिन हो गए, कोई आया ही नहीं। हमने समथर से यशपाल सिंह की रिपोर्ट। मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी, गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।